ग्रामीण नहीं चाहते कि अडानी आए तो फिर वहाँ पे अडानी को नहीं आना चाहिए। वहाँ पे गोंदलपुरा के इशू को लेके विधानसभा में भी मामला उठा चुके हैं और ये ध्यान आकर्षण में हमने उठाया है। वहाँ से जवाब भी मिला कि लोगों का विरोध है, अभी कोई प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन लगातार देख रहे हैं कि कुछ लोगों पे फर्जी मुकदमे कर दिए गए हैं। अडानी कोई ना कोई कहीं ना कहीं से झाड़ी वाड़ी साफ़ करने का प्रयास कर रहा है ताकि कहीं से शुरुआत कर दे, और लोग पूरी तरह से विरोध में हैं, इसलिए मैं ये प्रोटेस्ट में यहाँ पे आप लोगों के समक्ष बैठी हूँ। सदन में इस बार फिर से सभा हमारा ये गैर सरकारी संकल्प में इस बार डाला है। हर बार सदन में हमने गोंदलपुरा का मामला डाला है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया है, वहाँ के लोगों को भी ले जाके मुख्यमंत्री जी से मिलवाने का भी काम किया है पूर्व में, और अभी फिर हम, क्योंकि हमें यही जवाब मिल रहा था कि विरोध है इसलिए कोई काम शुरू नहीं किया गया, लेकिन जो प्रेशर डाल के ज़बरदस्ती करके लोगों को बांट के लोगों को फोड़ के जो ये कोशिश किया जा रहा है, लोगों पे फर्जी मुकदमे करके कोशिश किया जा रहा है, तो ग्राम सभा बिल्कुल नहीं चाहती है कि वहाँ पे कोई भी माइनिंग का काम हो। अडानी जो घुसने का कोशिश कर रही है तो अडानी वापस जाओ के नारे लोगों के द्वारा लगाए गए, बहुत बड़ी रैली निकाली गई, 25,000 लोग के संख्या में एक रैली सिंबॉलिक रूप से निकाली गई। तो मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब ग्रामीण नहीं चाहते तो वहाँ पे अडानी को वापस जाना होगा। राज्यपाल के यहाँ दो दो बिल वापस हुआ है, आप भी पीछे अब क्या लग रहा है कि हिंदी में विधेयक जाएगा राज्यपाल के पास, वैसी विधानसभा से पारित होगा? कोई देखिए, कई सारे विधेयक जो भी पास हो रहे हैं आप देख रहे हैं कि वापस लौट जा रहे हैं, तो क्यों वापस लौट रहे हैं ये सोचने वाली विषय है कि ऐसा पूर्व में कभी नहीं होता था। हमने हमेशा इस पद को बहुत संवैधानिक रूप से देखा है, बहुत न्यूट्रल राज्यपाल का पद होता है, वो राजनीतिक रूप से प्रेरित नहीं होता है, लेकिन अभी देखिए 27% आरक्षण की बात हो या 1932 खतियान को लागू करने की बात हो, इन सारे मुद्दों को वापस भेज दिया गया है। और एक प्रक्रिया होता है जिसमें वो संदेश देते हैं विधानसभा के माध्यम से, उनके तरफ से संदेश आता है कि क्यों उन्होंने वापस कर दिया, ताकि हम उसको फिर से बढ़ाएं, क्योंकि ये हमारे राज्य का बर्निंग इशू है, राज्य का डिमांड है और इसको हम लोग पूरा करने के लिए संकल्पित है। तो जिस तरह से इस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है, देखिए जब से झारखंड अलग हुई है OBC को तो लगता है कि तो उनके ऊपर ग्रहण लगा हुआ है और पूरी तरह से वंचित है, अन्याय झेल रहे हैं। 7 जिलों में तो 0% आरक्षण बाबूलाल मरांडी जी के टाइम से ही कर दिया गया था, जिसको हम कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जब बैठक हो रही थी या फिर अपने CLP लीडर के साथ जो विधायक दल की पार्टी की बैठक हो रही थी, वहाँ पे हमने इस बात को रखा है कि जो 7 जिलों में 0% कर दिया गया है तो OBC किस वर्ग में आते हैं इसको डिफाइन करना होगा। 27% आरक्षण लागू करने के लिए तो हमारी सरकार प्रयास करिए और हम लोग हार नहीं माने, फिर से हम लोग विधेयक पास करेंगे, फिर से विधेयक आगे भेजेंगे, लेकिन अभी जब तक नहीं हो रहा है तब तक वहाँ पे जो EWS 10% है उस पर OBC को भी जनरल का, आखिर तो जनरल में ही वो ट्रीट हो जा रहा है, तो उसको किसी में ट्रीट नहीं करना तो अन्याय होगा ना। उसको ST भी नहीं मानना, SC भी नहीं मानना, OBC भी नहीं मानना, जनरल भी नहीं मानना, तो ये क्या मतलब, एक ऐसे वर्ग के लोग हैं, इतने बड़े जनसंख्या के लोग जो क्या ये सबसे बेवकूफ़ लोग बैठे हुए हैं झारखंड में? तो इस वजह से जो ये अन्याय OBC वर्ग के साथ हो रहा है और भी SC ST वर्ग को भी जो आरक्षण के लिए हम लोग विधेयक पास किए थे उसको हर हाल में हम लोग लागू कराने के लिए एग्रेसिव हैं।